तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग एंड VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स डेटा टाइप्स के। आपने देखा होगा कि मैं या और भी बहुत सारी जगहों पे कुछ लोग जब VVA प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो वो लोग जो है डिम का यूज करते हैं कि डिम आर एज ए इंटीजर या आई एज ए इंटीजर। आखिर होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है, दो चीजें यहाँ पे सीखनी है कि आखिर होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है। तो ये जो वेरिएबल होते हैं इसको बोलते हैं टेम्परेरी सेविंग लोकेशन। अब टेम्परेरी सेविंग लोकेशन क्या होता है, अब मान लीजिए कि आपको कुछ वैल्यू लिखना है एक्सेल पे, कुछ भी वैल्यू एक्सेल पे आपको लिखना है तो आपको एक लोकेशन चाहिए होगा ना सर, बस A1 B1 C1 ऐसे एक जगह चाहिए तभी लिख पाएंगे ना क्या। कि मान लीजिए मुझे अगर कुछ टाइप करना है तो हमें एक लोकेशन चाहिए होगा, मैं एक बार रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दें। जरूर जरूर जरूर। तो हमें एक जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां पे दो करना है सम, है कि 20 + 60 = 30 करना है, 20 + 30 30 का रिजल्ट 50 स्टोर कहाँ होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला कि मैं यहाँ पे लिखूं रेंज, A1.value इक्वल टू, क्या हुआ कि रन करते ही आप देखेंगे कि A1 पे आपका ये ऊपर चला गया, यहां पे आ गया। चलिए इसमें जो एक्टिव होता है उसी पे वर्क करता है ना सर। हमने इसको रन किया तो आपने देखा यहां A1 पे 50 आ गया। प्रॉब्लम है कि A1 खाली थोड़ी होगा, अभी जैसे आपने देखा कि मेरा डेटा को यहाँ पे कर दिया, ओवरराइट कर दिया ना सर, तो ये हमेशा खाली हो इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन मुझे इसको नीचे कहीं यूज करना है प्रोग्रामिंग में, मुझे इसको एक्सेल सीट पे डालने की जरूरत नहीं है, इस रिकॉर्ड को इस रिजल्ट को इस कैलकुलेशन को VVA में ही आगे मुझे यूज करना है। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हमें यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया डी। अब मुझे नीचे जैसे मैसेज बॉक्स में चाहिए MSG और हमने यहां पे कर दिया MSG बॉक्स, यहां पे डी कर दिया, और जैसे मैं इसको रन करूंगा आप देखेंगे 50 यहां पे आ जाएगा। ओके सर, रिकॉर्डिंग परमिशन। यहां पे ये हुआ कि हमने डी लिया। अब डी क्या है, अगर इसकी तुलना मैथमेटिक में करूं तो मैथमेटिक में होता है XYZ या ABCD लेते हैं ना, जैसे X = 100 और जहां पे 100 की जरूरत है वहां पे X² करते हैं, ठीक है। उस केस में हम यूज करते हैं, उसी तरह से यहां भी यूज करते हैं। बट कुछ लोग बोलेंगे सर आपने शुरू में बताया कि डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन तो किया नहीं। देखिए बगैर डिफाइन के भी ले सकते हैं, लेकिन हर PC में नहीं, वो आपके एक्सेल की सेटिंग होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर डिफाइन नहीं करते हो तो डायरेक्ट वो वेरिएंट हो जाता है, और डिफाइन करूंगा तो क्या करूंगा, तो आपको जरूरत समझ में आ गई कि वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। हेलो शुभम जी, साहू जी, हाँ जी सर, जरूरत क्यों पड़ती है समझ में आ गया ना आपको। हाँ समझ में आ गया। बात करते हैं क्या होता है वेरिएबल।
तो जैसे आप लोग करते हैं डिम, डिम का फुल फॉर्म होता है डायमेंशन, मतलब हार्ड डिस्क के किसी भी डायमेंशन में, और एज हमने बोल दिया इंटीजर, तो क्या होगा कि आर नाम का लोकेशन क्रिएट होगा जो कि जिसकी कास्ट इंटीजर होगी। कास्ट इंटीजर के मतलब ये हुआ कि आर के ऊपर अब सिर्फ इंटीजर, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल दे दूं तो डेसिमल को रिमूव कर देगा। लिमिटेशन है, जैसे कि हमने एक लिमिटेशन डाल दिया यहाँ पे, अब देखिए एरर आएगा, ओवरफ्लो, क्यों? क्योंकि इंटीजर की कैपेसिटी नहीं है इतना ज्यादा लेने की। तो इससे क्या होता है, कास्ट डिफाइन करने से क्या होता है कि वो सिर्फ उसी कास्ट का डेटा स्टोर करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो सही, कितने डिजिट तक नंबर लेता है एक्सेल में? तो वो आपको बताता हूँ, सारे बताता हूँ आपको। तो क्या होता है, कास्ट कितने तरह, टाइप कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला होता है डिम बी एज ए बाइट। बाइट क्या करता है कि आप बी इक्वल टू जो है, इसमें तो एक तो माइनस में नहीं दे सकते, आप जीरो से लेकर 255 तक विदाउट डेसिमल डाल सकते हैं। ठीक है, यार आप लिया डिम आई एज ए इंटीजर और यहां आई इक्वल टू, यहां आप माइनस 32,000 समथिंग, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मैं बता दूंगा, लिस्ट दे दूंगा इसमें एग्जैक्ट फिगर, टू प्लस 32,000 समथिंग। ठीक है, इसमें आप डाल सकते हैं माइनस 32,000 से लेके प्लस 32,000 समथिंग तक इंटीजर लेता है और विदाउट डेसिमल। ऊपर वाला आपका जो है माइनस नहीं लेता है, सिर्फ प्लस पॉजिटिव नंबर लेता है, नेगेटिव नहीं लेता है, बट इंटीजर जो है नेगेटिव पॉजिटिव लेता है, बट 32,000 डेसिमल ये भी नहीं लेता है। आपको 32,000 से ज्यादा नंबर लिखना है तो डिम एल एज ए एल इक्वल टू, हम यहां पे देते हैं एक लंबा फिगर यहां डाल सकते हैं सर, बट डेसिमल ए भी नहीं ले सकता, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डाल सकते हैं लोग। करते हैं कि मुझे अगर डेसिमल डालना होगा तो डी डबल, तो डबल जो होता है जो कि सबसे ज्यादा नंबर्स और साथ में डेसिमल्स को भी एक्सेप्ट करता है। तो नंबर एंट्री करने के चार है, पहला है बाइट, दूसरा है इंटीजर, तीसरा है लॉन्ग, चौथा है डबल। समझ आ गया सर? जो आपने ये इंटीजर में 32,000 से माइनस से प्लस 32,000 दिया है, ये वैल्यू है कि क्या है? ये वैल्यू है, वैल्यू मतलब 32,000 एक डालेंगे तो वो नहीं लेगा, अगर हम अगर डिफाइन नहीं करेंगे तब तो 32,000 एक डाल सकते हैं, 32,000 समथिंग है, एग्जैक्ट फिगर मैं बता दूं, नहीं वो मतलब अगर मान लो 35,000 डाला तो नहीं लेगा, नहीं लेगा, अभी थोड़ी देर पहले डाला था ना मैंने, लिख लिया था ना सेट, और वो तो आपने 6 डिजिट डाली थी सर, इसलिए मैं को थोड़ा सा डिजिट नहीं नंबर फिगर। अच्छा ठीक है, डिजिट का यहाँ डिजिट का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, और सर ये डिम एस डबल मतलब क्या हुआ? डी डी इज इक्वल टू डबल टाइप की वैल्यू भी, इसको हम लोग फ्लोट कह सकते हैं। अच्छा, आप सी में जावा में इसको फ्लोट कहा जाता है, मतलब कि इसमें डेसिमल्स वैल्यू डाल सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू और डेसिमल, मतलब कि लॉन्ग से भी बड़ा होता है और साथ डेसिमल भी लेता है, माइनस प्लस सब लेता है, सब कुछ लेता है। और ये डेसिमल में भी, डेसिमल में टू प्लेसेस तक लेगा कि कितना भी ले लेगा? जितना भी डाल सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी लिमिटेशन भी है लेकिन बहुत ज्यादा है, इसको मानी है बहुत ज्यादा लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, उसके बाद आता है डिम, हम बी एन एज ए बुलियन कर देते हैं। बुलियन, बुलियन क्या करता है, ये सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लेता है, इक्वल ट्रू फॉल्स, ठीक है, लॉजिकल वैल्यू होता है, ट्रू या फॉल्स। फिर डिम आता है डीटी एज ए डेट, इसके ऊपर आप डेट डाल सकते हैं, 1/Jan 2020। आता है डिम एज ए स्ट्रिंग, अब इसके ऊपर कोई भी नंबर डालिए या कैरेक्टर डालिए,
समझे, ये टेक्स्ट होता है, नॉन कैलकुलेटिव होता है। अब यहां पे दिक्कत हो रहा है, तो मान लो कि कंफ्यूजन है आपके पास, कोई अगर कंफ्यूजन है कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आप यहां पे डालेंगे एक ऑल राउंडर वी एज ए वेरिएंट। अब जो मैंने वी डी एल आई जो भी ले रखा है ए, आप अपने हिसाब से नेम चूज कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि सिंगल हो, पूरा का पूरा एक बड़ा सा वर्ड भी लिख सकते हो। और वी इक्वल टू हमने यहां पे नंबर डाला, अगर नंबर डालेंगे तो लॉन्ग, लॉन्ग नंबर डालेंगे तो लॉन्ग आएगा, अगर करेक्टर डाले तो करेक्टर आएगा। तो ये वेरिएंट अकॉर्डिंग अपने आप को खुद ब खुद चेंज कर देगा। तो ये वेरिएंट और स्ट्रिंग नहीं समझ आ रहा है सर, स्ट्रिंग हो गया टेक्स्ट, जैसे मान सुजीत कुमार डालना है तो इनवर्टेड कॉमा में सुजीत कुमार डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नंबर डालना चाहे नंबर डाल सकते हैं, डेट में कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, बट वो नॉन कैलकुलेटिव होगा और एबीसीडी रहेगा, जैसे एक्सेल में हम लोग सिंगल कोट लगाया करते हैं। समझ गया सर। और वेरिएंट सर, वेरिएंट हुआ कि जो डालिएगा वो अपने आप को उसी अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेगा। अच्छा, मैं अगर टेक्स्ट डालूंगा तो टेक्स्ट ले लेगा, नंबर डाला है तो नंबर ले लेगा जी। और सर जैसे आपने यहाँ पे डेट में डाला है तो डेट में हम जो फॉर्मेट डालेंगे वो ले लेगा कि हमारे सिस्टम से लेगा वो? क्या बोल रहे, जैसे आपने डेट यहाँ पे DDMM YY डाला है, यहाँ देखिए आप जो भी डालोगे वो सिस्टम में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, आपको अगर ये करना है अपना फॉर्मेट चाहिए तो फिर फॉर्मेट का जो, क्योंकि VVA दिखाएगा थोड़ी सर, कैलकुलेट करके एक्सेल को ही देगा ना सर। हाँ वो तो है, एक्सेल का जो फॉर्म, सेल का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होगा डेट फॉर्मेट में शो करेगा। ठीक है, तो वेरिएंट क्या हुआ, जैसे मैंने अभी डाल दिया डेसिमल में तो ये अपने आप को डबल में कन्वर्ट कर लिया। मैंने इस पे डाल दिया मान लीजिए नंबर, ये डाल दिया, ये अपने आप को बाइट में कन्वर्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूंगा तो अपने आप को टेक्स्ट कर लेगा, ठीक है। डाउट इसमें आप लोगों का मन में होगा, सोच रहे होंगे कि जब मेरे पास ऑलराउंडर है तो फिर मैं ये सब क्यों करूं, क्यों जानू, मैं इसी को यूज कर लूंगा क्या, सोच रहे हैं ना सर। तो वो मल्टीपल टाइम्स देना पड़ेगा फिर, जैसे मुझे न्यूमेरिक भी चाहिए, डेट भी चाहिए, टेक्स्ट भी चाहिए। वो तो सर आपको इसमें भी आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक वेरिएबल पे आप एक ही डेटा एंट्री कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे जैसे आपने डिम वी दिया, इसमें मैं क्या मल्टीपल दे सकता हूँ? हाँ, डिम वी से पूजा कर दिया। अब यहाँ पे आप सर लग रहे कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई भी वेरिएबल होता है, कोई भी वेरिएबल होता है, जैसे हमने लिख दिया डी इक्वल टू 50 और आपने कर दिया डी इक्वल टू 60, तो क्या स्टोर होगा? डी हाँ सर, ये 60 होगा। 60 होगा क्यों? जैसे आपने लेटेस्ट वाला मान लीजिए A1 पे आपने 50 डाला, फिर इसके ऊपर आपने 60 डाला, तो 50 रिप्लेस हो जाएगा ना सर? नहीं, मैं समझ रहा था, मैं कुछ और पूछ रहा था। जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन किया है BILD, जैसे आपने डे में वी एस वेरिएंट वी इज इक्वल टू पूजा किया है, इसके नीचे मैं यूएस डेट डाल सकता हूं क्या? हाँ, क्यों नहीं, आप देखिए आप जितना मर्जी उतना वेरिएबल बना लगा सकते हो, यहाँ पे के एच लॉन्ग कर दीजिए तो अलग है, वो तो अलग चीज है ना सर। ओके, मैं बताऊंगा आपको, बस मैं आपको समझा रहा हूँ वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल अपने हिसाब से इतना मर्जी डाल सकते हो। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, उसको देखिए क्या है कि यहाँ पे डीम बी एज अबाउट बाइट हो गया, इंटीजर लॉन्ग हो गया, ये सब का एक साइज होता है, ये आपके सिस्टम में एक साइज अक्वायर करता है।
जैसे बी एज ए बाइट हुआ तो इसने इसने टू बाइट, समझे, इंटीजर फोर बाइट करता है, लॉन्ग एट करता है, डबल भी आई थिंक एट करता है, या नहीं एट नहीं आई थिंक सिक्सटीन भी टू बाइट करता है, डेट भी आई थिंक फोर एट बाइट या फोर बाइट करता है, स्ट्रिंग भी आपका जो है मिनिमम जो है एट बाइट और डिपेंडिंग द टेक्स्ट साइज कितना बड़ा साइज की उसके हिसाब से होता है। वेरिएंट जो है 32 बाइट, जी हाँ 32 बाइट्स को होल्ड करता है। बोलोगे सर 32 बाइट ही है ना, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास तो 1 TB का हार्ड डिस्क है, 8 GB का रैम है, क्या सर। तो आपकी जो एक सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट है ना, इसकी एक कैप एक लिमिट है 255 KB। अगर एक सब्जेक्ट की साइज 255 KB से ऊपर हुआ तो क्या होगा, आपका प्रोसीजर टू लार्ज का एरर देगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कन्वर्जन। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई कैलकुलेशन किया, और जैसे मान लीजिए मैं करता हूं यहां पे, मैंने मान कर लिया डिम वी एज ए वेरिएंट, ठीक है ना, वेरिएंट कर दिया, और वी इक्वल टू हमने एक नंबर को डिवाइड कर दिया एक पर्टिकुलर नंबर से, राइट सर, और एम एस जी बॉक्स के अंदर में इस वी को हम शो करते हैं। में है ना सर, लेकिन क्या था मुझे राउंड लेना था, तो आपको यहां पर राउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। तो राउंड का फॉर्मूला लगाने के अलावा मैं यहां पे इसको लॉन्ग कर देता हूं, क्या तो खाली नंबर ले लेगा, डेसिमल रिमूव कर दिया ना सर, अरे इसको राउंड कर दिया, रिमूव नहीं करता, राउंड कर देता है, समझे। जैसे आप तो 2.63 हमने कर दिया, 25.63 हमने कर दिया, तो देखिए 26 आ गया। तो यहां पे राउंड करने का जो हमारा एक लाइन था, एक फॉर्मूला था, वो तो हमारा बच गया। तो कन्वर्टर जो होता है, ऐसे डेट है आपका, अगर आपने डेट को अगर डीटी पे डाल दिया तो हो सकता है डेट को डेट फॉर्मेट ना ले। मैं एक बार और करता हूं डिम डेट, सॉरी वेरिएंट करता हूं, पहले वेरिएंट डेट डाल दिया कि वन जैन, ठीक है सर। और यहां पे हम एम एस जी बॉक्स के अंदर में डी को डालते हैं, यस सर। अब यहां पे देखिए मैं वेरिएंट को हटाता हूं और डी कर, तब क्या होगा, दिखा सर, इससे पहले दिख रहा था 1-Jan-20, मतलब जैसा हमने टाइप किया तो ऐसा, मतलब कि हमने टेक्स्ट में टाइप किया तो टेक्स्ट से स्टोर किया उसको डेट में कन्वर्ट नहीं किया सर, बट जैसे हमने डेट किया डेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो वेरिएबल्स को यूज करने का तीन मेन कारण होता है, तीन चार कारण होते हैं। पहली कारण होती है टेम्परेरी सेविंग लोकेशन, हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसका यूज हमें वीवीए के अंदर ही करना है, उसका कोई हम किसी सेल पे नहीं रखना चाहते क्योंकि कोई सेल फ्री नहीं है मेरा। दूसरा रीजन ये होता है कन्वर्टिंग, कि हम अपने जो एक्सेल के जो हम टॉपिक लिखते हैं उसको कन्वर्ट करें। अगर यूजर ने अगर हमारे डेसिमल में दे दिया तो हमें राउंड की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर लेगा, इसलिए हम लॉन्ग और इस तरह के डिफरेंट डेटा टाइप्स को इस्तेमाल करेंगे। तीसरा होता है वैलिडेशन, कि हमें जो एंट्री चाहिए वही चाहिए, उसके अलावा कोई एंट्री ना ले सके, समझे।
उसके लिए जैसे मान लीजिए ना कि आप आपको डेट चाहिए, तो किसी ने अगर डेट को टेक्स्ट में डाल दिया तो डेट अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, तो एक वैलिडेट हो जाता है, जो चाहिए वही होगा। अगर डेट चाहिए तो डेट, या डेट की जगह पे मान लीजिए किसी ने कुछ और डाल दिया तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर दे देगा। और पांचवा होता है रिपीटेशन। अब एक इनपुट को मुझे 10 जगहों पे लेना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 20 प्लस 30 प्लस 20 का कैलकुलेशन है, क्या उसको 20 जगह इस्तेमाल करना है, 20 प्लस 30 20 जगह आपको लिखना पड़ेगा। अब 20 प्लस 30 तो एक सिंपल सा कोड है इसलिए तुम लिख दोगे, लेकिन मान लीजिए ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो सकती है। जैसे कि याद होगा आपको मैंने एक्सेल में बताया था एमआरपी निकालने वाली कैलकुलेशन बताई थी, अब एमआरपी की कैलकुलेशन को कितने जगह यूज करोगे आप, काफी दिक्कत हो जाएगा ना सर। तो आप एक जगह कैलकुलेट करोगे, रिजल्ट को वेरिएबल पे डाल दोगे, फिर उस वेरिएबल को एक बार नहीं 10 बार यूज करना है, 10 बार यूज कर लो। तो रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लियर है? कोई डाउट है आप लोगों को? अब बात आती है एक बुक की। तो मैं आपको एक बुक, वीवी का बुक आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं, इसकी सॉफ्ट कॉपी है, आप इसको हार्ड कॉपी परचेज कर सकते हैं, राइट? इस बुक का पेज नंबर 199, पेज नंबर 199 में टेबल दिया हुआ है वेरिएबल्स का, और उसके आगे पीछे पेजेस पे वेरिएबल की कैलकुलेशन और वेरिएबल को यूज करने का एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको वो एग्जाम्पल देखना है, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है सर? आप साहू जी, ईमेल आईडी क्या आपकी? सर मेरा मेल आईडी विघ्नेश्वर साहू 786। क्या बोल रहे हैं? विघ्नेश्वर साहू एच BIGH BIGH NESW NESW AR AR SHU डॉट लिखना है ना? नहीं 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 SHU 786 SHU 786 @gmail.com। और ये हो गया कुलदीप जी की, कुलदीप जी आप यही है ना? कुलदीप सिंह, कुलदीप जी हेलो, सुरेंद्र कर देता तक सर, सुरेंद्र ये ना? नहीं नहीं ये नहीं है, आर सुरेंद्र, सुरेंद्र रावत करो, ये ना? यस सर, मेरे को भी दे दिया वी कावटिया, हाँ पहला वाला, हाँ दे दिया। प्रवीण जी को भी दे देता हूँ, पी कुमार, पी कुमार है ना आपका? जी सर, जी सर। कुलदीप जी बोल ही रहे हैं, उनका आईडी क्या है? कुलदीप जी है, लड़ा सिस्टम पे नहीं बैठा हुआ है, रिकॉर्डिंग लगा के चल दिया हुआ। चलो एक मिनट, कुलदीप सिंह को ऊपर वाला डाल देता हूँ। इसके पेज नंबर 199 को आप लोग स्टडी कर लीजिए।